हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिग्राज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सब्सिडरी अलायंस के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कंपनी रूल जो है वो एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि किस तरह से एक्सपेंड कर रहा है। च्विंगम थोड़ी ना है जो एकदम खींचते चले जाओ आप एक्सपेंड होते चले जाएगा, कुछ तो किया होगा कंपनी ने ऐसा। तो मैंने आपको क्या बताया था पिछले वीडियो में कि डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन बहुत कम हुए हैं। कंपनी की पॉलिसीज ऐसी होती थी, कंपनी की स्ट्रेटेजी ऐसी होती थी कि वो बहला फुसला कर कह सकते हैं चालाकी से क्या कर लेती थी, इंडियन स्टेट्स को एनेक्स कर लेती थी, इंडियन स्टेट्स के ऊपर हमला कर देती थी इनडायरेक्टली, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करती थी कंपनी। अब मैंने उस स्ट्रेटेजी में आपको बताया था कि अलग अलग पॉलिसीज थी, सब्सिडरी अलायंस थी एक पॉलिसी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी, फिर उसके बाद हम पैरामाउंसी के बारे में भी पढ़ेंगे कुछ पॉलिसी ऑफ क्लेम टू पैरामाउंसी जो है। तो वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। और ये जो आप टॉपिक स्टार्ट किए हमने, तो हम देखेंगे कि किस तरह से कंपनी ने अपने रूल को एक्सपेंड करते चले गई, कंपनी ने किस तरह से अपने रूल को एक्सटेंड करते चले गई। तो वो टॉपिक बाय टॉपिक हम सारी चीजें पढ़ते जाएंगे। अब क्लियर है? अब देखो क्या है, तो सब्सिडी अलायंस में सबसे पहले क्या है कि जो रिचर्ड वेलेस्ली थे, ठीक, रिचर्ड वेलेस्ली वॉज द पर्सन हु इंस्टीट्यूशनलाइज्ड द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। यह ध्यान रखना है आपको, वन मार्क्स में क्वेश्चन आएगा आपके लिए। मतलब हु इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, हु इन्वेंटेड द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। तो नाम किसका ध्यान रखना है, नाम ध्यान रखना है हमेशा अंकल रिचर्ड वेलेस्ली का। रिचर्ड वेलेस्ली ये है वो, ठीक है। तो ये उनका चेहरा है, आप ध्यान रख सकते हो, और नाम भी ध्यान रखना है। रिचर्ड वेलेस्ली थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सब्सिडरी अलायंस की जो पॉलिसी है उसे इंस्टीट्यूशनलाइज किया था। अब सवाल यह आता कि होता क्या था इस पॉलिसी में, तो वो मैं आपको समझाता हूं। देखो पॉलिसी में होता यह था कि इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्स। समझ में आया कि देखो सब्सिडरी अलायंस, सब्सिडरी मतलब क्या है कि आपको एक तरह से हम सब्सिडी दे रहे हैं और आपके साथ दोस्ती कर रहे हैं, ये इसका मतलब होता है। तो सब्सिडी अलायंस में ब्रिटिशर्स ये बोलते थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये बोलती थी कि इंडियन रूलर्स जो हैं, इंडियन रूलर्स को हम क्या बोल रहे हैं, इंडियन रूलर्स अपनी इंडिपेंडेंट आर्मी मत रखो आप। अब सवाल ये आता है कि आर्मी नहीं रखेंगे तो काम कैसे होगा यार, हम लड़ेंगे कैसे, कल को कोई हमारे ऊपर आके हमला कर देगा तो हम कैसे बचेंगे। इंडियन रूलर्स ऐसा बोल सकते थे, किससे बोलेंगे, ब्रिटिश से, ईस्ट इंडिया कंपनी से, कि आप अभी तो बोल रहे हो कि हम आर्मी मत रखो और कल को कोई हमला कर देगा तो कौन बचाएगा हमें, सवाल वाजिब था, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्स। सवाल यही उठता है कि लड़ते कैसे थे, तो फिर वो, तो उसकी जगह क्या होता था, उसकी जगह अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ दिस अलायंस रूलर्स हैड टू पे फॉर द सब्सिडरी फोर्सेस, दे वर प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी। मतलब ऐसे भी समझ सकते हो कि आप इंडिपेंडेंट फोर्सेस मत रखो, इंडिपेंडेंट फोर्सेस नहीं रखोगे आप, और आपकी जब कोई आर्मी नहीं होगी और आपके ऊपर कोई हमला करेगा तो उस हमले में आपको प्रोटेक्शन कौन देगा, उस हमले में प्रोटेक्शन हम देंगे, हम देंगे मतलब कंपनी देगी प्रोटेक्शन। आगे समझ में, मतलब मैं राजा हूं तो मुझसे बोलते हैं कि आर्मी मत रखो, लड़ाई होगी तो हम हमारी आर्मी आपके लिए पहुंचाएंगे, कंपनी प्लेस देयर आर्मी इन द किंगडम। अब कंपनी इतनी दयावान कब से हो गई, सवाल ये उठता है। तो कंपनी फ्री में नहीं करती थी, कंपनी क्या बोलती थी कि आप सब्सिडरी अलायंस अगर हमारे साथ में साइन करते हो तो सब्सिडरी अलायंस के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ अलायंस रूलर्स हैड टू पे फॉर द सब्सिडरी फोर्सेस। मतलब आप हमें पैसा दे दो, बस आप पैसा दे दो, हम हमारी आर्मी रख देंगे आपकी किंगडम में और आपको प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। देवर प्रोटेक्टेड बाय दी कंपनी, हमारी कंपनी जो है वो आपके प्रोटेक्शन के लिए तत्पर रहेगी, हमेशा खड़ी रहेगी। तो उस सेंस में क्या है, उस सेंस में देखो इस चीज के फायदे और नुकसान दोनों चीजें हैं, आप समझना। इंडियन रूलर्स को ऐसा लगता था कि अच्छा है, अपनी आर्मी अपने को मेंटेन नहीं करना पड़ेगी, कोई लफड़ा नहीं रहेगी कि सोल्जर को रहाओ सोल्जर को निकालो, ये वो ब्रिटिशर्स हैं ही, वो हमारा प्रोटेक्शन करेंगे। और ऐसा लगता था कि यार इन्होंने बैटल ऑफ प्लासी जीत ली, बैटल ऑफ बक्सर जीत ली तो ज़्यादा पावरफुल है। तो इस सेंस में गलत फहमी पाल ली हमारे इंडियन रूलर्स ने। और दूसरी चीज़ क्या है, ब्रिटिशर्स को क्या फ़ायदा हो गया इससे, पता है कि ब्रिटिशर्स की अपनी खुद की आर्मी बनते जा रही थी और पैसा लगता नहीं था, क्यों, क्योंकि उस वो पैसा चार्ज कर लेते थे ना, किससे पैसा चार्ज कर लेते थे, वो रूलर्स से पैसा चार्ज कर लेते थे। अगर समझ में, तो सब्सिडरी अलायंस सोचो कितना दिमाग लगाया उस समय पे, ये तो बिल्कुल मानना पड़ेगा कि इन लोगों में दिमाग था ब्रिटिशर्स में, तभी इन्होंने क्या कर लिया, तभी इन्होंने अपना रूल इतना ज्यादा एक्सपेंड करते चले गए। मतलब आर्मी आप मत रखो तो आपके ऊपर हमला करना आसान होगा, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे और हम हमारी आर्मी लाएंगे, लेकिन उसके लिए पैसे कौन दे देगा, पैसे तुम दे दोगे। मतलब एक तरह से ब्रिटिशर्स ने अपनी आर्मी बना ली और उनके पैसे कुछ नहीं लगते थे, उल्टा जिसके ऊपर हमला करना है उसकी आर्मी नहीं रहती थी तो और आसान हो जाता था। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल की
मेरे पास आए ब्रिटिशर्स में एक राजा हूँ, मुझसे बोल दिया आर्मी मत रखो, मैंने बोल दिया ठीक है आर्मी नहीं रख रहा हूँ, सब्सिडी अलायंस साइन कर लेता हूँ तुम्हें, मैं पैसे देते रहूंगा, तुम अपनी आर्मी से मुझे प्रोटेक्ट करना। तो अगर कोई दूसरा आएगा तो वो तो प्रोटेक्ट कर लेंगे, लेकिन अगर ब्रिटिश की आर्मी ने खुद ही मुझ पर हमला कर दिया तो मुझे कौन प्रोटेक्ट करेगा? कोई भी नहीं प्रोटेक्ट करेगा। तो उस सेंस में बड़ा दिमाग लगा कर उन्होंने एक ऐसी पॉलिसी डिवाइस करी और बहुत सारे नवाब्स को, बहुत सारे राजाओं को क्या कर लिया, इस पॉलिसी के चलते फंसा लिया, अपने चुंगल में फंसा लिया। जैसे अगर एग्जांपल देखें हम, ठीक है, इफ दी, हाँ एक और चीज थी इसमें, क्या होता है कि ये तो हो गया कि आप सब्सिडरी फोर्सेस के लिए पे करते रहना, मतलब आप पैसे देते रहना। और अब सवाल यह आया होगा अगर आपके मन में कि अगर पैसे देना भूल गए हम, या फिर हमारे पास पैसे नहीं थे, हम नहीं दे पाए एक बार पैसे, तो क्या होगा? तो क्या होगा तो समझो, ठीक है, इफ द इंडियन रूलर्स फेल टू मेक पेमेंट देन पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वॉज टेकन एज पेनल्टी। ये एक और नई चीज आ गई, क्या मैं इंडियन रूलर था, मैंने सब्सिडी अलायंस साइन कर ली थी और अब क्या हो रहा कि एक बार मेरे पास गरीबी थी, मैं पैसे मतलब नहीं दे पाया, जो सब्सिडी फोर्सेस पे करना रहती थी वो पे नहीं कर पाया, तो उसका अंजाम क्या होगा पता है? उसका अंजाम ये होगा कि अगर इंडियन रूलर फेल टू मेक पेमेंट देन पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वॉज टेकन एज पेनल्टी, तो मेरी जो जितनी भी टेरिटरी, मतलब मेरी इतनी टेरिटरी है, तो बोल देंगे कि आप पेमेंट नहीं पे कर पाए हो, चलो तो आपकी आधी टेरिटरी जो है, आधी टेरिटरी को हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास ले लेते हैं। तो इस तरह से पेनल्टी लगती थी किसके ऊपर? इंडियन रूलर्स के ऊपर पेनल्टी लगती थी अगर वो सब्सिडरी फोर्सेस नहीं पे कर पाते थे। आगे समझ में कैसा जाल बुना इन्होंने और कितने लोगों को फंसाया है। तो अब एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल जैसे नवाब ऑफ अवध, नाम बताओ आप जरा, नवाब ऑफ अवध, अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, सुजाउद्दौला, ठीक है, तो सुजाउद्दौला जो थे नवाब ऑफ अवध, वॉज फोर्स टू गिव ओवर हाफ ऑफ हिज टेरिटरी टू द कंपनी इन 1801। मतलब देखो बैटल ऑफ बक्सर जब हुई थी ना, उस समय पे सब्सिडरी अलायंस साइन करवा ली थी नवाब ऑफ अवध से, और सब्सिडरी अलायंस साइन करवाने के बाद में वो पे करते रहे। अब 1801 में जब वो पे नहीं कर पा रहे थे, जब उनकी कंडीशन ऐसी थी कि अब नहीं दे पाएंगे पैसे, तो उस समय क्या होता है, उस समय उनकी आधी टेरिटरी उनसे छुड़ा ली गई है इस कंडीशन के हिसाब से। आगे समझ में? तो ऐसे चाल खेलते थे ये लोग। फिर सिमिलरली हैदराबाद वॉज ऑल्सो फोर्स टू सीड इट्स टेरिटरी ऑन द सिमिलर ग्राउंड। हैदराबाद से भी पहले सब्सिडी अलायंस साइन करवा लेते हैं ये निजाम ऑफ हैदराबाद से, और जब निजाम ऑफ हैदराबाद फेल हो जाते हैं, फेल एग्जाम में नहीं होते, मतलब व्हेन ही फेल टू पे द सब्सिडरी फोर्सेस, तो उस समय पे उनकी भी टेरिटरी उनसे छुड़ा ली गई। तो ये बड़े कनिंग थे, बड़े क्रूअल थे कह सकते हो, आपकी इस तरह से फंसा लेते थे अपनी स्ट्रेटजीज में, अपनी पॉलिसीज में, और इंडियन रूलर्स हारते चले जा रहे थे, अपनी टेरिटरी खोते चले जा रहे थे। स्नैप रिकैप करते हैं जरा एक बार। अब आगे ना पूरा समझ में, रिचर्ड वेलेस्ली वॉज द पर्सन हु इंस्टीट्यूशनलाइज द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। अब इस अलायंस के हिसाब से क्या होता है, इस अलायंस के हिसाब से अगर रूलर्स जो थे तो उन्हें अपनी आर्मी नहीं रखना रहती थी, सवाल ये आता है उन्हें प्रोटेक्ट कौन करेगा, तो कंपनी बोलती थी कि हम है ना, हम अपनी आर्मी आपके प्रोटेक्शन में लगा देंगे, आपकी किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए, रूलर्स को बड़ा अच्छा लगता था। और उसके बदले में रूलर्स क्या करते थे, उन्हें पे कर दिया करते थे, सब्सिडरी फोर्सेस को पे करते थे कि आप आर्मी रख रहे हो तो उसके लिए हम आपको पैसा दे रहे हैं। और अगर वो पैसा देने से चूक जाते थे, तो इफ द इंडियन रूलर्स फेल टू मेक पेमेंट, तो उनकी पार्ट जो रहती थी, पूरी टेरिटरी का जो पार्ट रहता था, उसे छुड़ा लिया जाता था, आधा पार्ट छुड़ा लिया जाता था। जैसे एग्जाम्पल में नवाब ऑफ अवध और हैदराबाद का देखा, निजाम ऑफ हैदराबाद, तो इन दोनों के साथ में ये हादसा हुआ था सब्सिडी अलायंस वाला, ठीक है। आगे अगर देखते हैं हम इस चीज को, तो ये रिचर्ड वेलेस्ली मैंने आपको बताया, अब ये जैसे नवाब शुजाउद्दौला जो मैंने आपको बताया, कहां के शुजाउद्दौला, अवध के, तो नवाब शुजाउद्दौला ऑफ अवध विथ हिज सन्स एंड द ब्रिटिश रेसिडेंट। पिछले वीडियो में मैंने आपको रेसिडेंट बताया था ना, तो ये रेसिडेंट इस तरह से क्या करते थे, ये जो इंडियन स्टेट्स रहते थे वहां पर जाके बैठना चालू कर देते थे रेसिडेंट्स। तो अब जैसे अवध में इन्होंने क्या कर दिया, एक रेसिडेंट को प्लेस कर दिया, रेसिडेंट को जगह दे दी कि हाँ आप हमारे यहाँ रह सकते हो। तो अब ये रेसिडेंट बड़ा चालाक होता था, मैंने बताया था, सारी चीज़ें ऑब्जर्व करता रहता था, तो जहाँ मौका लगता था इसे कि हाँ अब सही है, मतलब अब लोहा गर्म है, लोहा हथौड़ी मार दी जाए, तो उस तरह से क्या ये ब्रिटिश कंपनी को बता दिया करता था रेसिडेंट कि अब सिचुएशन बिगड़ रही है, तो अब आप हमला कर सकते हो, या फिर अब इस तरह से आप ऐसा कर सकते हो, वैसा कर सकते हो, वो सारी चीज़ें रहती थी। तो नवाब शुजाउद्दौला ऑफ अवध विथ सन एंड द ब्रिटिश रेसिडेंट, ये ब्रिटिश रेसिडेंट है, पेंटेड बाय टिली कैटली, ये ध्यान रखना, अभी हम आगे पढ़ेंगे एक चैप्टर, उसमें ये पेंटर्स वगैरह के नाम फिर आना है। टिली कैटली ऑयल क्यों लिखा, क्योंकि ऑयल पेंटिंग है ये, 1772 में। द ट्रीटीज दैट फॉलोड द बैटल ऑफ बक्सर फोर्स नवाब शुजाउद्दौला टू गिव अप मच ऑफ हिज अथॉरिटी। तो मैंने वही बताया ना, सब्सिडी लाइन साइन करना पड़ी थी बैटल ऑफ बक्सर के बाद में, किसको, शुजाउद्दौला को। फिर क्या होता है, अब देखो यहाँ पे जैसे दिखा तो रहे हैं आपको, हियर हाउएवर ही पोज इन रीगल स्प्लेंडर टावरिंग ओवर दी रेसिडेंट, तो मतलब ये फोटो में ऐसा दिखा जरूर रहे हैं कि वो बहुत एकदम जैसे बोलते हैं चौड़े में खड़े हैं एकदम, किसके सामने, रेसिडेंट के सामने, तो वो ऐसा नहीं है। क्या होता है अधिकतर, अब आपके ऊपर किसी ने टर्म्स एंड ट्रीटीज इम्पोज करी है, तो आपको क्या करना होगा, आपको झुक के रहना होगा, लेकिन ये
पेंटिंग ऐसे पेंट करी जिसमें सुप्रीमेसी किसकी दिखाई जा रही है, सुप्रीमेसी सुजाउद्दौला की दिखाई जा रही है। बाकी हकीकत क्या होती थी कि रेसिडेंट जो होते थे ये ज्यादा पावर में होते थे, इनकी सुप्रीमेसी ज्यादा होती थी। ठीक है, तो हमने सब्सिडरी अलायंस पढ़ लिया है। अब इसी के साथ जो कंपनी रूल एक्सपेंडेड में हमने एक पार्ट पढ़ा कि कंपनी किस तरह से अपने रूल को एक्सपेंड कर रही थी। अब हम देखते हैं मैसूर के साथ में अभी क्या हुआ। अभी देखो एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, मतलब डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन देता हूं कि अभी हमने देखा कि कंपनी यहां पे धूम मचा रही है। ठीक है, कंपनी इस एरिया में ज्यादा डोमिनेट कर रही है। अब क्या होगा कि यहां पे साउथ इंडिया वाला जो पार्ट है, कंपनी यहां पे भी अपने रूल को एक्सपेंड करेगी। कैसे एक्सपेंड करती है, कौन था यहां पे, वो सारी चीजें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले। तो यहां टाइगर ऑफ मैसूर के साथ में स्टार्ट करेंगे, हम टीपू सुल्तान की कहानी के साथ में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर है? इस चैप्टर के नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। magnetbrains.com पर क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स एक अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। फील फ्री टू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।